गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा एंड यू आर डूइंग योर स्टडीज वेरी वेल। इन टूडेज क्लास आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 7, दैट आर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, अप टू सी पार्ट वी हैव डन यस्टरडे, दैट इज एक्सरसाइज पार्ट। नाउ वी विल डू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डी पार्ट। सो क्वेश्चन वन इज नेम द टू टाइप्स ऑफ एसिड। नेम द टू टाइप्स ऑफ एसिड की दो टाइप्स के एसिड के नेम बताओ। सो द टू टाइप्स ऑफ एसिड्स आर, किस सोर्स किसके बेसिस पे की थी ये क्लासिफिकेशन हमने, कि जो एसिड है वो हमें कहाँ से मिलता है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ गेटिंग दैट एसिड। उसके बेसिस पे दो टाइप के एसिड थे बेटा, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो हमें लिविंग सोर्स से मिले, या तो प्लांट से, एनिमल से, और मिनरल एसिड मिनरल्स से। देन सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच स्केल ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या था, अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर। तो उसके पीएच स्केल क्या होता है, तो इन पीएच स्केल ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच वैल्यू लिखी होती है फ्रॉम 1 to 14। पीएच वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 to 14। 1 to 6 क्या दिखाता है मुझे, एसिडिक पीएच। 7 पे क्या हो जाता है, न्यूट्रल। और 8 to 14 क्या होगा बेटा, बेसिक पीएच। ठीक है, इजी। देन थर्ड क्वेश्चन है, गिव टू यूजेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट लिख रखा बेटा आपकी बुक में। तो कैल्शियम सल्फेट को कट करके आपको उसकी जगह क्वेश्चन में करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ, तो हम क्या लिखेंगे, गिव टू यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड देन आंसर क्या होगा, द टू यूजेज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर, फर्स्ट इट इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर पेंट बनाने के लिए। और भी बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं, इट इज़ एन सब्स्टिट्यूट फॉर सीमेंट के लिए सब्स्टिट्यूट है ये। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस हैं, हमने ये टू मैंशन किए हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, सो अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड विद मोर पार्ट ऑफ वाटर इन इट। जब मैं पानी का, वाटर का और एसिड का सॉल्यूशन बनाऊंगी, मतलब दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं ना, तो उसको सॉल्यूशन बोलेंगे बेटा। सो अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड विद मोर पार्ट ऑफ वाटर, ऐसा सॉल्यूशन एसिड और वाटर का जिसमें ज़्यादा क्या है, पानी है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। एक स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है बेटा जो बिल्कुल जैसे ही उसका सॉल्यूशन बनाए तो बिल्कुल 100% ब्रेक डाउन हो जाए। अ स्ट्रॉन्ग बेस इज अ बेस दैट ब्रेक्स अपार्ट 100% इन सॉल्यूशंस। कि सॉल्यूशंस में 100% जो आयनाइज हो जाए ना, टूट जाए, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, लाइक NaOH और KOH। सो ये फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट फाइव क्वेश्चन आप लोगों को नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और साथ में लर्न भी करना है बेटा। ठीक है, वेरी इजी, बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं, सो यू कैन लर्न इजीली। यू हैव टू लर्न दिस एंड राइट डाउन इन फेयर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।